नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम हल्का कलायत में मौजूद हैं। कलायत हल्का जो है कैथल जिले का एक भाग है और इन लोगों से बातचीत करेंगे, साथ ये भी पूछेंगे कि अब की बार किसको वोट करने ये जनता जाएगी, किसको विधायक बनाएगी, कौन मंत्री बनेगा और किस तरह की सरकार यहाँ आएगी। कांग्रेस जीतेगी, भाजपा जीतेगी या अब की बार आम आदमी पार्टी का कोई विधायक यहाँ से बनेगा। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र काकोत। किसे विधायक बनाएंगे यहाँ से? जी यहाँ से तो बीजेपी का विधायक बनेगा। क्या नाम है कैंडिडेट का? श्रीमती कमलेश डांडा जी। कमलेश डांडा तो पहले भी यहाँ से मंत्री रही है? हाँ जी बिल्कुल। कैसे काम किए उन्होंने? बहुत बढ़िया काम करे हैं सरकार ने। चाचा आप क्या कहेंगे, किसका जोर है अब की बार? बीजेपी को चाहेंगे जी। बीजेपी? हाँ जी। किसे जिताएंगे? कमलेश जी को जी। कमलेश जी को? आप बीजेपी है जी? सब बीजेपी? हाँ जी हाँ जी। हाँ बीजेपी है जी, बीजेपी से है। नौकरी वगैरह दी है उन्होंने? हाँ जी नौकरी है, घर घर में नौकरी मिली है भाजपा सरकार में। मेरे खुद ही मेरे घर में नौकरी आई है जी सरकारी, लाग रहे हमारा गाँव में 350 बच्चे लाग रहे हैं जी कम तक कोकत में। कोकत गाँव है जी। आप क्या कह रहे थे? मेरा गांव काकोत है और काकोत गांव में HCS से लेकर SI, ASI और ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप ए तक की जॉब मिली है एक छोटे से गांव को, थोड़ी सी आबादी का गांव और 350+ नौकरियां मिली हैं 10 साल के अंदर। इतना विकास हमने कभी पहले देखा ही नहीं है। मेरी उम्र भी 45 साल हो गई है। पीछे इनेलो के सरकार में 7 साल में मेरे गाँव से सिर्फ 2 लड़के लगे थे 7.5 साल में, और हुड्डा के 10 साल में 3 लड़के लगे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में 10 साल में 350 करोड़ लगे हैं, जिसमें HCS से लेकर और SI, ASI, ग्रुप सी, ग्रुप डी सब में जो मिली है, और उन लोगों को जो मिली है जो बिल्कुल गरीब तबका के, जिनको इस जॉब की बहुत ही सख्त जरूरत थी, ऐसे ऐसे परिवारों को जॉब मिली है बिना खर्ची और बिना पर्ची। बिना खर्ची और पर्ची की जो बात सरकार ने कही थी वो पूरी कर दी जी? बिल्कुल 100% पूरी कर दी। तो अब की बार इसलिए भाजपा को ही जिताएंगे? जी बिल्कुल 100%। 2019 में मेरे गांव से बीजेपी 3000 वोटों से जीती थी, 700 वोटों में इनने सभी दल आ गए थे। अब लोकसभा चुनाव में मेरे गांव में नवीन जिंदल 1203 वोटों से विजयी हुए हैं, 1203 वोटों से उनकी लीड रही है। जिंदल जी को मिली है 1900 वोट, अन्य पार्टियों को मिली है कुल 700 वोट। तो जिंदल जी तो कांग्रेस से भगोड़े उम्मीदवार थे? नहीं, बात भगोड़े की नहीं है और बात इसमें कांग्रेस की नहीं, बात है एक आदमी की और उनकी छवि की। जिंदल जी पहले भी सामाजिक आदमी रहे हैं और उन्होंने समाज सेवा बहुत अच्छे तरीके से पहले भी करी है और अब भी कर रहे हैं वो, और आगे भी भविष्य में जनता को उनसे पूरी उम्मीद है कि वो एक अच्छे और राजनीतिज्ञ भी है और समाज सेवक भी है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से बातचीत हो रही है लगातार दूसरे जो पार्टियां हैं उनको पछाड़ती हुई बीजेपी आगे आती हुई दिखाई दे रही है इन भाई साहब के हिसाब से, तो आपका हिसाब क्या कहते हैं? मेरा विषय बनियों का है बीजेपी में, एक तो बात यह कोई जाति पात नहीं है, बिना खर्ची के बिना पर्ची के। मेरे गाँव में वहाँ बच्चे लगे हैं जिसने कभी सुपना में नौकरी सोची भी नहीं थी, बिल्कुल गरीब करके हैं, मेरे पास में है मतलब, और जो ऊपर देने का हमारा मकसद है भाई, ऊपर मोदी बैठा है जो अपने देश को तरक्की करी है, जो नाम हुआ देश में, सिर्फ ये वजह है और कोई वजह नहीं है। ठीक है कमलेश डांडा ने काम थोड़े कम जरूर करे हैं, हल्का में इसी बात नहीं है भाई, चलो उसने यही कहा भाई काम करेंगे, सबके काम तो होने चाहिए। मेन चीज़ है बिना खर्ची पर्ची है, बच्चे लगे हम तो उसके साथ हैं, कमल का फूल है हमारे तो ऊपर मोदी दिखा बस। तो आम आदमी पार्टी का क्या हाल रहेगा? कुछ नहीं, हल्का में 2-4 हज़ार वोट आवेंगी बस, और ज़्यादा फर्क तो है नहीं, हर हल्का में 2-4-5-10 बस, ज़्यादा फर्क नहीं, एक सीट भी नहीं आंदी। तो ये लोग तो कहते हैं कि दिल्ली में हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, अब हरियाणा की बारी है, पंजाब में बनाने लग रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? स्कूल तो सारी जगह जी, स्कूल तो अपने हरियाणा में भी है, अगर जो कोई बच्चा नहीं जाएगा वो अलग बात है। स्कूल में अपने यहाँ भी मेरे बच्चे जितने सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, 90-95% नंबर है, इंग्लिश की MA लड़की करने लग रही है। जो कोई कह रहा भाई मेरा बच्चा के 5 लाख रुपये है, मेरी लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ी है, उसके साथ बैठा लो किसी उसमें फंक्शन में बैठा लो, ये सिर्फ स्कूल की भी हुआ है। देखो एक थोड़ी बहुत ही कमी तो रही करें जी, हर सरकार में रहती है, न तो है नहीं, आप सिर्फ इसी वजह था। और हमने चुटाला की सरकार भी देखी है, हुड्डा साहब की भी देखी है, सारी सरकार देख ली। मैं भी 42-43 साल का हो गया, पहला हमने कांग्रेस की वोट दी है, 10 साल दिए हैं, हुड्डा की देखे हैं, काम चलो करे हैं, इतने नहीं करे जितने इसने करे हैं जी। आप क्या कहेंगे, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आने वाली है, हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, तो क्या रहेगा आपकी बात? ऐसा है जी, सरकारें बदलते रहो, सिस्टम नहीं बदला है, हमने सोच समझ कर वोट देना चाहिए। जो हमारी समस्या है नहीं, बीजेपी सरकार ने 3000 स्कूलों मर्ज किया है, इन साथियों ने किसी ने स्कूल का नाम दिया है,
अस्पताल की बिल्डिंग बड़ी बड़ी बना दी, किसी में डॉक्टर दवाई नहीं है, किसी से पूछ लो सारे केस हमारे शहर जाते हैं, टेस्ट करवाने के लिए 14,000 केस उधर टेस्ट होते हैं। यहाँ कैथल में एक PGI आई थी कांग्रेस के टाइम में, वो भी जज्जर में चली गई है। कौन सी कांग्रेस की बात करें, कौन सी BJP की बात करें। BJP वालों ने स्कूल के नाम पर ये बोल रखा है अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपके बच्चे ने सरकारी से हटाने के बाद जो सरकारी से हटाओगे प्राइवेट में लगाओगे हम 1100 रुपये महीना देंगे। कौन सी रणनीति है यहाँ, स्कूल को बंद करने की रणनीति है। अगर हम काम के नाम पर वोट देवा तो अरविंद केजरीवाल फर्स्ट नंबर पर है। पंजाब के अंदर 2.5 सालों की सरकार आई ने 44,900 कुछ वोट सरकारी नौकरी दे दिए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आज बराबर में हरियाणा में 35 और 41 पेपर लीक हुए हैं, UPSC के भी पेपर लीक हुए हैं, जो हमारे बच्चे NEET करें नीट के बर, वो भी पेपर लीक हुए हैं। काम की बात करनी चाहिए, बराबर में डिबेट करो। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की घरवाली दिल्ली के स्कूल देखने आती है, मोहल्ला क्लिनिक देखने आती है, बराबर में पंजाब में आइए, 39 स्टॉल है पंजाब के अंदर, 2.5 साल में 19 स्टॉल बंद कर दिए। भाई साहब प्लीज आपकी बारी बोल रहा था, नहीं फिर बीच नहीं आप, ठीक है ठीक है। देखिए पानी की बात कर रहे हैं, रजबाए के अंदर पानी रजबाए की सफाई नरेगा वाले कर रहे हैं, कोई कृषि उठा के नहीं जाता, ठीक है नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं, अगर अगर आपको बोलने का मौका दिया जाए। कौन सी ये दुनिया मंदी पार्टी है, क्या की पार्टी है यार, कैसे साबित करेंगे? साबित और सारे सत्य में देखे थे ना, यू हर चीज में और करता सी मन सी किस लिए जेल में केजरीवाल दार घोटाला में सारे दिख रहा है स्कूल में, क्या है मैं दिखाया क्या करके कली रोग मेरा स्कूल देखना होगा, कौन देखना होगा, एक्सपायरी डेट तो दवाई बांटा सारी हो, क्या के लिए बोले सूर पढ़े के लिए नहीं बोलिया मैं अता उन्होंने कह रहा नौकरी तो आपकी बात किसे जद कह रहे नहीं है मरे बूढ़े भी जा लिए कड़ा कमरे से मेरे यारो चंदा इकट्ठा करा पूरा सारे उसका वो है फंडिंग विदेशों में अपने बालक बच्चे हाँ देख ले मोटी जीरी थी कड़क ही पद से बिकने लग रही है मंडी में कड़क थी 24 पंचायत थी खार दो सपरे थे दो सपरे नहीं है कांग्रेस राज में 2000 नहीं मिला ना वो अरे टॉप की दवाई एक सपरा मेरे बीमारी की चीखती चीजें देखने लग जाए मेरा सड़क फिर किसान आंदोलन क्यों हुआ था? अरे तो खालिस्तान का मैटर था किसान आंदोलन में, मां भी जाट मां भी खेती करा और मैं कल जाट थोड़े फिर ठाई झंडे हैं मां भी जाट है पसीना काटना खेत में। तो अभी आप लोगों के लिए जो MSP लागू होने की बात हो रही है क्या लागू हमने हरियाणा की, तो कोई खरीद एजेंसी ही नहीं है तो MSP पे फसलें कैसे खरीदेगी? अरबी की लग रही है सारी है और ये सब सवाल लाके किले पड़ गए थी 4x4 ट्रैक्टर 4x4 गाड़ी किसान नगर खड़ी मारा कर खड़ी है यूं खड़ी है पहले बैठ जो की रिक्शा में किसान नावे किस पे थी कितनी कितनी ट्रैक्टर लेके फसल खरीदती है सर है कितनी फसल सारी कितनी लग रही टोटली बता तो फिर फसलें वापसी क्यों आती है मंडी से? मंडी में 10 दिन फसल सड़ी गई थी 10 दिन बंदरगाह पर लड़ी थी सारे व्यापारी बहन चौदह मैं बारी मेरी चल गई बांस तीन ग्यारह की खपा का खुवाने लग रहे रेट आगे आज बहन प्योर माल आवे प्योर जावे क्या कमी है तो किसे किसे मुख्यमंत्री बना है किसे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो BJP का कार्यकर्ता यू कार्यकर्ता BJP का यू बन जो ये भी एक नंबर काम करागा सारे बजे बढ़िया और हर जिला लाएंगे हरियाणा में भी बनावागे लीडर होती हरियाणा में तो अब आएगा वो अरे उती दोगले में देखे होती मैं उती प्योर अभी दिया होगा लड़ाई होती है बस मेरा कुछ तो सरकार BJP सरकार भी अब युवाओं के लिए कार्ड बनाने लग रही है जिसमें फ्री बस यात्रा दिल्ली में होती इतनी रंगे बसाई होती जो अपनी वोट बदलनी है अपनी कुर्सी बदल रोंगे दूसरे देशों ने बसाया कर पढ़ने लग रहे हो है उनते मुछांगे लाड़ांगे सारे छोड़ दे किसी ने नहीं डर रखे न्यू गंडा वस्तार गंडा सेंगे न्यू नट सह रखे हैं सब ने लाड़ांगे कोई थे जियो चलो हम एक बार फिर से BJP सरकार आएगी और कमलेश डांडा को कजा से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। कमलेश डांडा ने कैसे काम यहाँ कमलेश डांडा ने बहुत सच्चे काम किया है और मेरे गांव में कम से कम 250 नौकरी लगी है बिना खर्ची के बिना पर्ची के अब की बार दोबारा से एक बार इसको दोबारा से विजयी बनाएंगे। कमलेश चाचा आप क्या कहेंगे किसको वोट देंगे? सरदार जी आप क्या कहेंगे किसको वोट देना चाहेंगे और देश की प्रगति में कौन सा है? BJP को दगेरी वोट दूँ जो आगे अपना भविष्य देखने के लिए बच्चों को दिक्कत ना आए आगे ऐसा सिस्टम होने BJP अच्छे रहे जी मेरे BJP को वोट देंगे। हाँ जी हाँ जी BJP को देंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में जिस तरह से राजनीतिक चर्चा चली हुई है चारों पार्टियां लगी हुई हैं अनुराग ढांडा भी मैदान में आ गए हैं कह रहे हैं विधायक इनको बनाएंगे तो किसको विधायक बनाएंगे किसकी सरकार लाएंगे? विधायक हम कमलेश डांडा को बनाएंगे
आज का दौर में देखो किस्मत अजमाने का सभी को अपने अपने हक होता है, लेकिन आज का कमलेश डांडा का कोई मुकाबला नहीं है। कैसे काम उन्होंने करवाए? काम तो देखो सभी के तो होते नहीं, जो पर्सनल काम है सभी के काम हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है और अपने से ही मनमुटाव होता है, ऐसी कोई बात नहीं है किसी को है, किसी का पर्सनल काम नहीं हो या नहीं हो, लेकिन सांझे काम बहुत हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी खुश हैं और बीजेपी को भारी मतों से जिताएंगे। ताऊ जी आप क्या कहेंगे, किसको वोट देना चाहिए? आप जो जी कांग्रेस के वोट जाए कांग्रेस जिताए कांग्रेस ले आओ। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, करा कुछ नहीं, कमलेश डांडा ने कुछ नहीं करा। आप यहीं के रहने वाले हैं? कराट के आप जी कल्यासल कपड़ा मरा, कोई काम नहीं करा जी, कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार में, कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई और बोल कांग्रेस को बढ़ाऊंगा। ताऊ जी आप क्या कहेंगे, आपने झंडा उठा रखा है, किसे वोट देंगे और क्या वजह वोट की मानते हैं कि क्या आपकी वोट विकास के लिए जाएगी? बिल्कुल जी 100% विकास के लिए जाएगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाँ जो देश की सीमा बिल्कुल सुरक्षित है, छत्ती बिरादरी का आदर्श मान है और नौकरी बिना फर्ती खर्ची के लगन लगरी है। पहले की सरकार में रेवड़ी बनाया करती, लिस्ट बनाया करती, जिला अध्यक्ष के MLA मंत्री के, अब मेरिट बेस पर लड़के लगने लग रहे हैं। हर छत्ती बिरादरी में गरीब आदमी इस बात को महसूस करता है कि बीजेपी सरकार में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। तो वो जो किसान आंदोलन हुआ था और पहलवानों के साथ जो हुआ था, बीजेपी वाले जो अन्याय कर रहे थे महिला पहलवानों के साथ, उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए कि वो क्यों हो रहा था? ऐसा है, किसान आंदोलन के जो मैं ये कानून लाए थे, अगर किसी वकील से पूछा जाए क्या ये कानून किसानों के हित में थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह ने इनके लिए बड़ी पैरवाई की थी। जब ये कानून लाए कांग्रेस ने, इस बात का ब्यौरा क्या पूंजीपति लोगों ने, व्यापारियों ने, इन लोगों ने किसानों को हर मंडी से 3 रुपये कट्टा मंगाया गया, आड़तियों ने गरीब किसानों को दे करके सीमा पे भेज दिया। अगर वकालत के जाकर वकालत के माध्यम से पूछे भाई वकील साहब तुम बुद्धिजीवी हो, बोला जी कानून तो ठीक है लेकिन किसानों का आंदोलन का समर्थन तो करना ही पड़ेगा, यानी हरियाणा की जनता को अनपढ़ता के हिसाब से बहकाने का काम किया है। कोई भी मांग हो, जायज मांगों के लिए ना रास्ता रोक के जाता, जो जायज होती किसानों के लिए अब भी वही काम होने लग रही है, सारा MSP पे बिकने लग गया है, खास करिए पंजाब की तो 90% फसल बिके है। इन लोगों ने, पंजाब वाली सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा था, आज सारे वही किसानों ने लगे कहना हमारे से गलती हो रही। ये कुछ न लोग हैं जो anti-BJP के किसान हैं, उन लोगों की राजनीति की प्रेरणा नहीं है, राष्ट्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वो अपना सिर्फ निजी स्वार्थ देखते हैं। अच्छा ये भी बता दीजिए, अब तो लगे हाथ कि JJP भी इन लोगों की सहयोगी थी, दुष्यंत चौटाला जो है उप मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा सरकार में, तो क्या उनको भी वोट दी जाएगी साथ साथ? देखो जी JJP से लोग मानसिकता से नाराज है, क्योंकि जो विधायक बने थे, सरकार का एक नियम होता है अल्पमत की सरकार आने के बाद आज तक सभी प्रांतों के अंदर संगठन और सहयोग से सरकारें बनी हैं। चौधरी देवीलाल ने सरकार बनाई BJP के सहयोग से बनाई, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में सरकार बनाई BJP के सहयोग से बनाई, सेंटर में कांग्रेस ने कितनी बार सरकार बनाई, जो ED गठबंधन है ना ये कितने दलों का गठबंधन है, NDA और जो UPA कहते हैं ये सभी इतना रीजनल पार्टियों का गठबंधन है ये, लेकिन हमारे लोग सिर्फ इस बात से मानसिकता वो दुष्यंत से कह गए कह ली ही वह हमने बनाया तो नहीं था, चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ बोलता है, लेकिन वो बुद्धिजीवी आदमी होने के नाते सरकार का 5 साल के लिए तो बनाना बनाना ही पड़ेगा, उसमें आप और हम साथी हैं, वैचारिक मतभेद नहीं थे इनके ना मनभेद थे, ये तो कई बार का उदाहरण है, ये तो दुष्यंत जी भी कह रहे हैं भाई 4.5 साल तक कल पत्रकार पूछ रहे थे बाप ने BJP को इस तरह नहीं जी हमारे बोले 4 साल अपने बिल्कुल साझले काम किए, जनता को गुमराह करने के लिए ये लोग अपने निजी अपने MLA बनने के लिए। किसे वोट देना चाहेंगे भाई साहब? पहली बात तो यार उथल पुथल मैच रही है दुनिया में, किसो का वोट दे ले सारे अपनी चलावे और उनकी चरा उनकी चाल है कि उनों का काम बनेंगे जो उनसे पानी मारे हैं, आम आदमी का कोई काम नहीं बनता, सीधी बात है। मतलब बगैर पर्ची खर्ची की सरकार कही जा रही है, बगैर ये भेदभाव की सरकार विकास करना चाहती है ये कहा जा रहा है, तो आप लोगों के काम नहीं होते? एक बात बताओ, मान लो लड़का BSc कर रहा है और उसकी PN की नौकरी मिलने लग रही है, यू बिना खर्ची और बिना पर्ची का टुकड़ा है, चाहे उसके BSc करे तो उसका बराबर के जैसे उसके जॉब चाहिए ना उसको वैसी जॉब दो, फिर उसके ऊपर एक और कंडीशन रख दी कि वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता किसी नौकरी के लिए, अब
वो इतना ग्रेजुएशन में आ रहा है, उसके माँ बाप ने पैसा खर्च कर रखा है इतना पढ़ाई लिखाई खातर, वो पीएन की नौकरी चाहेगा क्या? हाँ ठीक है, मजबूरी में कुछ भी करो। हाँ मजबूरी तो मजबूरी में कुछ भी करो, दाढ़ी करो या कुछ करो। इब एक आम आदमी, ये हमने छोटा सा रेड़ा बनवा लिया, यू रिक्शा बनवा ली, इब रोड पर इसकी चालन नहीं दे पाए कल ने भाई, रोड टैक्स इसकी तो फिर फायदा क्या? एक खुद का ऊपर आप प्रधानमंत्री ने कह दिया कि खुद का ऊपर आश्रित हो, इब खुद बनवाया यू तो इस तीनों में नहीं चालन देंगे तो मजदूर आदमी क्या करेगा? चलिए आप क्या कहेंगे, किसे वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। क्या वजह मान के चले? कांग्रेस में इसने तो जो है बीजेपी जातिवाद फैलाना, ये हरियाणा में मतलब भाईचारा खत्म करना, तो ये बीजेपी ने काम करे। अब की बात जैसे कमलेश डांडा को भी टिकट मिला है, तो अब की बार दोबारा जीत जाए? पहली बात तो यहाँ के है नहीं, हम तो पुंडरी हल्के गए, तो हम तो पुंडरी हल्के में कांग्रेस को ही वोट देंगे। आपके वहाँ से टिकट किसे मिला है? अभी की बार किसी नहीं मिले पुंडरी हल्के से। ताऊ जी आप क्या कहेंगे, राजनीतिक बातें चल रही हैं और किसे वोट देना चाहेंगे अब की बार? अब की बार जी भाजपा को देना चाहेंगे। भाजपा को? क्या वजह मान के चले हैं? क्या वजह मान के चले भाजपा को वोट देने की? भाजपा को देने लग रहे हैं अभी, वजह के भी काम बहुत कर रही है भाजपा भाई। काफी काम किए हैं, बच्चे बच्चे नौकरी लग गई? नौकरी तो नहीं लग गई, बाकी बोर बहुत लग रहे हैं अपने बच्चे हैं जो लग रहे हैं, एक मेरे लिए लगे कोई बात नहीं, मेरे भी लग जाएंगे। चलिए वो भी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कलायत हल्के में हम मौजूद हैं और लगातार हमने जनता से बातचीत की। जी जी क्या दिन दे जी? क्यों क्या वजह? नहीं दिन दे जी के करया जी थी के करया जी हूँ, फालतू बकवास मारनी है किसी ने कुछ नहीं है, इसने करया के है जी, दिखाओ को सबूत करवाया का भाई काम करिया पाई हल्का में थी, कुछ नहीं करया मेरा, करवा दी के करवा भाई। आप क्या कहेंगे किसे वोट? बीजेपी। चलिए लगातार बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे युवाओं से बुजुर्गों से हमने बातचीत की और बातचीत में ये भी सामने आया है कि अभी जो बीजेपी का पलड़ा यहाँ से है वो भारी बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कौन यहाँ से विधायक बनेगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।